हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश, जिसके अंदर हमारी बुक का नाम है फ्लेमिंगो। और इस फ्लेमिंगो बुक के अंदर जो आज का टॉपिक होने वाला है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे द लास्ट लेसन। और इस लास्ट लेसन के अंदर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, मतलब ये पहला पार्ट होगा और इस पहले पार्ट को हम लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी को। जी सर, ये छोटी सी डिटेल है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, ये सब दिए गए हैं, देख लीजिएगा। चलो सर, हमारा लेसन है द लास्ट लेसन, ये पहला पार्ट है द लास्ट लेसन करके फ्लेमिंगो बुक में से। और अगर मैं राइटर की बात करूं तो यहाँ पर जो राइटर लिखा हुआ है वो देख पा रहे हैं आप, अल्फोंस डॉटेड, ठीक है, अल्फोंस डॉटेड करके हमारा राइटर है। इन राइटर ने, इस ऑथर ने इस लेसन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, बहुत ही प्यारा ये लेसन है। शुरू करते हैं, देखिएगा इस लेसन में हमें क्या बताया जाता है, पूरी बात मैं डिटेल के साथ में करूंगा, लेकिन यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले यहां से स्टार्ट करिए कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट दिया गया है, जो लाइंस दी गई है, उनके अंदर आपको ये कुछ जो शब्द आएंगे इन पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ इन्फर, इन्फर का मतलब होता है आपके लिए आया है ये अनुमान लगाओ, इन्फर का मतलब पार्ट पढ़ने से पहले आप अनुमान लगा लो देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्टेक्स्ट आने वाला है, ये जो टेक्स्ट आने वाला है, इस टेक्स्ट के अंदर आपको ये जो वर्ड्स स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स आपको अनुमान लगाने, जैसे शब्दों की अगर मैं बात करूं तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यूनिजन का मीनिंग क्या है, काउंटेड ऑन का मीनिंग क्या है, ए ग्रेट बस्टल, थम्ड एट द एज, रेप्रोच, आर सेल्वेज विद, ऐसे कुछ वर्ड्स दिए गए, इनकी बात हम डिटेल के साथ में करेंगे। तो लीजिए सर, आज का जो लेसन है, आज का जो लेसन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, और इसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है आई, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको आई लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ आई कौन है? तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर एक स्टूडेंट होता है, टीचर होते हैं, और स्टूडेंट टीचर की बातचीत होती है, कुछ गांव वाले होते हैं, और एक प्यारा सा बच्चा है जो कि स्टूडेंट के नाम से जाना जाएगा, मतलब स्टूडेंट होगा वो, उसको कहेंगे हम फ्रेंच। फ्रेंच के नाम का एक लड़का है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आई, आई मतलब फ्रेंच है, जो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता देखते हैं, शुरू करते हैं। लीजिए सर, यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलेगा कि सर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ये बात बता रहा है हमें पास्ट में कि उस सुबह, कहानी कह रहा है कि यार उस सुबह आई मतलब मैं स्टार्टेड शुरू हुआ फॉर स्कूल वेरी लेट, उस दिन उस सुबह मैं बहुत लेट हो चुका था स्कूल जाने के लिए, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत ग्रेट ड्रेड में था। ड्रेड का मतलब यहां हो जाएगा एक्सट्रीमली फ्राइटन, बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मैं लेट हो गया था, और गुरुजी डांटते बहुत बुरा है यार, इसलिए मुझे डर था कहीं गुरुजी डांटेंगे फटकारेंगे, हो सके तो मारेंगे भी, तो मुझे डर लग रहा था। आई वॉज एक्सट्रीमली फियर्ड, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना फटकारना, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना। आप यहाँ पे और वर्ड्स भी देखते हुए चलेंगे, रिब्यूक मतलब भी डांटना होता है, चाइल्ड का मतलब भी डांटना होता है। तो मुझे गुरुजी के डांटे जाने का डर था क्योंकि मैं लेट हो गया था। स्पेशियली मुझे किस चीज का सबसे विशेष डर था, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको फ्रेंच नाम के बच्चे को सबसे ज्यादा डर किसके किसका था, स्पेशियली मुख्य रूप से बिकॉज एम हेमल, उसे एम हेमल का डर था। एम हेमल का डर क्यों था, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। एम हेमल साहब जो उनके टीचर महोदय हैं, जो उनके अध्यापक है, वो उनको क्या करेंगे, वो उनको क्वेश्चन पूछेंगे। और बेटा क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा, ऑन पार्टिसिपल्स, विशेष ध्यान रखना, विशेष मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है कि भैया एम हेमल साहब जो टीचर महोदय हैं, वो बच्चे को किसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे, पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल ग्रामर का एक पार्ट है, जैसे नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है ना, इसी तरीके से पार्टिसिपल जो कि वर्ब का एक पार्ट है, उसके ऊपर गुरुजी उनको क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था मेरे भाई, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, मुझे तो पहला शब्द ही नहीं पता था पार्टिसिपल का।
मुझे तो पहला शब्द ही नहीं पता था। जैसे तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए कहा जाता है तो तुमको तो सर पहला वर्ड ही याद नहीं है पूरा, तो क्या सुनाऊंगा। फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं था अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के बारे में उसको पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, फॉर ए मोमेंट, मोमेंट का मतलब था वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, थोड़े से समय के लिए। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा रन अवे, रनिंग अवे लिखा हुआ ना, मैं भाग जाऊं। सबसे पहले एक पल के लिए तो मुझे, मैंने सोचा कि यार मैं भाग जाऊं, स्कूल ही नहीं जाऊं, मैं घर से तो निकल जाऊं लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊं, मैं बीच रास्ते में कहीं इधर चला, मैं उधर चला, मतलब घूम फिर कर घर पे आ जाऊं, ऐसा उसने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब बिताना, समय खर्च करना, ठीक है। मैंने सोचा कि द डे, मैं पूरा का पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब घर से बाहर बिताऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। जैसे ही मुझे लगा कि यार आज तो लेट हो गया, गुरुजी डांटेंगे, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने मतलब मुझे लगा यार चलो क्यों ना घर से बाहर ही निकला जाए, मजे ही करे जाए, उसने ऐसा सोचा, ठीक है। आउट ऑफ द डोर्स, इट वॉज सो फार। अब हमें दिन के बारे में बताया जा रहा है, दिन कैसा था, वो जो मॉर्निंग थी ना सुबह, वो सुबह वाला दिन, पूरा दिन कैसे था उसकी हम बात करने जा रहे हैं। आइए से बात करते हैं। सो वार्म, दिन बड़ा गर्म था। देखो भैया अपने भारत में तो गर्मी पड़ती है तो भाई साहब लू ये चलती है, राजस्थान में तो लू चलती है, भयंकर आंधी तूफान ये वो कई चीजें, लेकिन सर ये अंग्रेजों का पाठ है और वहां पे मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। कब? जब हल्की सी धूप निकल जाती है। जब वहां धूप निकल जाती है तो वहां बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो बर्फ गिरती है भाई, इसलिए। उसने क्या बोले, सो वार्म, बहुत गर्म, हॉट दिन था। सो ब्राइट, सूर्य देवता चमक रहे थे, ठीक है। बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चिरपिंग कर रहे थे, चिरपिंग का मतलब साउंड कर रहे थे, पक्षियों की चहचहाट हो रही थी। एट द एज, एज का मतलब किनारा, बाउंड्री, एज मतलब किनारा, मतलब बाउंड्री, कहा कौन सी बाउंड्री पर चहचहाट हो रही थी, ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब होता है जंगल, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज देवता निकले हुए थे और दिन बड़ा गर्म था, बड़ा मस्त ठंडी ठंडी हवाएं ये वो, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड, सर कोई खेत भी था, ओपन फील्ड, ओपन खेत भी था। बेक ऑफ द सोमिल, सोमिल क्या होता है, आरा मशीन, यू नो जहां पे लकड़ियां काटी जाती है वो वाली मशीन। तो सर वो जो आरा मशीन वाला जो एरिया था, जो फैक्ट्री थी, जो कंपनी थी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसके पीछे की तरफ ओपन फील्ड था, ओपन फील्ड था वहां पर। पर्सियन, पी बड़ा है भाई साहब, नाउन है ये, पी बड़ा है, पर्सियन जगह है, कि पर्सिया के जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वर ड्रिलिंग, एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई डिप्स मार रहा था, कोई रनिंग कर रहा था, कोई चिन अप लगा रहा था, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, सब एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी की सारी चीजें मुझे बड़ा टेम्प्ट कर रही थी, बड़ा आकर्षित लग रही थी सारी की सारी चीजें। वाह यार गुरु जी कहां पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या यार गुरुजी पढ़ाएंगे, और ये देखो यार पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है, गरम गरम दिन है, हैं सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें एल्यूर कर रही थी, ये सारी की सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे टेम्प्ट कर रही थी, मुझे ललचा रही थी, मुझे लालच दे रही थी। क्या लालच दे रही थी? रुक जा, जाए मत, रुक जा, जाए मत, ऐसा कुछ। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स के बजाय मुझे ये सारी की सारी चीजें आकर्षित कर रही थी। बट, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मैंने स्ट्रेंथ जुटाई, मैंने ताकत जुटाई, मैंने पावर जुटाया, एंड रेजिस्ट, और ये जो मेरे मन में विचार चल रहे थे, मैं रुक जाऊं, मैं रुक जाऊं, मैं रुक जाऊं, इन सभी विचारों को मैंने रेजिस्ट कर दिया, मैंने विरोध कर दिया, नहीं जाना है इसको, ठीक है। एंड हरी डॉग, और जल्दी से, हरी डॉग का मतलब क्विकली, जल्दी से, जल्दी से तो स्कूल में, स्कूल जाने के लिए रवाना हुआ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा था, यू नो टाउन हॉल, टाउन हॉल एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग संगोष्ठी करते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां वो टाउन होता। तो जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड, वहां भीड़ लगी हुई थी भाई साहब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई, वहां भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्या होता है बुलेटिन बोर्ड, नाम है जी बुलेटिन बोर्ड, और क्या, अरे नोटिस बोर्ड, जहां से खबरें आती है, तो एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड से क्या आ रही थी, खबरें आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये युद्ध हार गए, ये युद्ध जीत गए, ये फलाना, ये ढिंका, ऐसी खबरें आ रही थी नोटिस बोर्ड। तो जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, क्या बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले दो सालों से, क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, पिछले दो सालों से, पिछले
दो सालों से क्या हो रहा था, आर बेड न्यूज, हमारी बुरी बुरी खबरें, पिछले दो सालों से हमारी बुरी बुरी खबरें हेड कम आ रही थी या आई थी फ्रॉम देयर, यहां से, वहां से कुछ भी मान लो, यहां से कि वहां से जो भी तुम बोलो, वहां से भयंकर बुरी बुरी खबरें आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार जाना, लॉस्ट मतलब डिफीट, डिफीट हो जाना, युद्ध हार जाने की खबरें, ठीक है, ड्राफ्ट ऑर्डर की खबरें, ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स की खबरें, ये सारी चीजें आ रही थी। तो ये मैंने सोचा कि हाँ यार, टाउन हॉल से, इस बुलेटिन बोर्ड से, इस नोटिस बोर्ड से ये पिछले दो साल से बहुत ही बुरी बुरी खबरें आ रही थी। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद ही सोच रहा था ऐसा, मैं ऐसा खुद ही सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग, मैं रुका नहीं, आई वॉज रनिंग या आई वॉज वॉकिंग, चल रहा था, बट मैं आई डिडंट स्टॉप, मैं रुका नहीं। वॉट कैन बी द मैटर, मैंने मन ही मन में सोचा, क्या बात हुई होगी यार, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अरे अब कौन सी खबर आ गई, लोग क्यों इकट्ठा है, क्या खबर आई होगी। देन बाद में एज आई हरिड बाय, जैसे ही मैं स्पीड में गुजर रहा था, एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेज में चल सकता, जितनी स्पीड में मैं चल सकता था, उतनी स्पीड में जा रहा था, तो द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ का नाम है यहाँ पे वॉचर, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज वॉचर, वॉचर कौन है, ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, जो लोहे का काम करता है, तो ब्लैक स्मिथ था, हु वॉज देयर, वो भी वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटाइस, अपने अप्रेंटाइस के साथ में, अप्रेंटाइस क्या होता है, हेल्पर, जिनको वो नया नया काम सिखा रहा है, नौ सीखिया, नौ बीस बंदे, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ में वो वहां पर खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था, वो भी न्यूज पढ़ रहा था, ठीक है, उसने मुझे बुलाया, कॉल्ड आफ्टर, मुझे बुलाया, नाम से बुलाया, बच्चे रुक जा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, रुक जा भाई, रुक जा, कॉल फ्रॉम माय नेम, उसने मुझे नाम से बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे मेरे बच्चे, बब मतलब छोटे बच्चे, ओ बब थोड़ा धीरे चल भाई, You will get to your school. You will get to your school. School में get होने के लिए, school में जाने के लिए, in plenty of time. तुम्हारे पास में a lot of time. Plenty of का मतलब lot of time. तुम्हारे पास में क्या है? बहुत सारा समय है. इसलिए जल्दी मत कर मेरे भाई. उसने ऐसा बुलाया और मुझे पता था यार मैं late हूँ. मुझे तो लग रहा था मैं late हूँ और वो क्या बोला? अरे बहुत सारा time है. तो मुझे क्या लगा? बेटा मजाक बना रहा है मेरी. ये ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा है? मेरी मजाक बना रहा है. उसने ऐसा सोचा होगा. देखते हैं क्या सोचा. तो आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मेकिंग फन ऑफ का मतलब रिडिकुलस, मजाक. मुझे लगा वो मेरी हंसी उड़ा रहा है. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन. और फिर एट लास्ट में एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा. एम हेमल के गार्डन, एम हेमल के यहां वो पहुंचा ना, तो उसको लिटिल गार्डन क्यों कहा गया? क्योंकि वो लिटिल गार्डन उसका स्कूल है और उसने उस स्कूल को गार्डन जैसा बना रखा है. कहां पेड़ पौधे लगा रखे हैं, कहां क्या बेल लगा रखी है, कहीं क्या लगा रखा है, कहीं क्या लगा रखा है. तो मैं छोटे से एम हेमल साहब के गार्डन में पहुंचा, पहुंच गया. यूजुअली मतलब नॉर्मली, जनरली, यूजुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है, व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी स्कूल शुरू होता है. अब तुम्हारी स्कूल शुरू होती है तो क्या होता है, बहुत सारा शोर शराबा होता है, बाहर से दूसरी गली से आवाज आ जाती है, ओ ये टेबल खिसकाने की आवाज, ओ चिल्लाने की आवाज, ये वो, कितनी सारी आवाज आती है. तो वही जनरली वही होता है. तो देखो, यूजुअली जनरली व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी स्कूल शुरू होता है, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल बस्टल बस्टल, पूछा था ना शुरू में कि अनुमान लगाओ इन शब्दों का. तो बस्टल का मतलब होता है शोर शराबा, हरी मूवमेंट, जल्दी 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 खिसकाने की आवाज, विच कुड बी हर्ड. वो आवाजें अक्सर क्या होता है, स्कूल में जो आवाजें आती है वो सुनी जा सकती थी आउट इन द स्ट्रीट, गली से बाहर भी आ जाती. अगर तुम किसी स्कूल के बाहर से निकलोगे तो स्कूल की आवाज आती है कि नहीं आती? बिफोर, जोर से बोलो, बोलो बोलो, बिफोर, हाँ, ऐसी वाली आवाजें आपको सुनाई देती है. फिर लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, ओपन करने की, बंद करने की टेबल. वहां पर अच्छी अच्छी टेबल्स है यार, अपने यहाँ तो नॉर्मल टेबल्स है, वहां पर खोलने वाली टेबल, बंद करने वाली टेबल, ऐसी ऐसी कुछ टेबल्स है, ठीक है. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन भी था. लेसन्स याद करने की आवाजें भी आ रही थी एक साथ, वेरी लाउड आ रही थी. विद आर हैंड्स, हमें हमारे हाथों को ओवर आर ईयर्स, हमारे कानों के ऊपर रखना पड़ता था, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बेटर. जब भी यूजुअली स्कूल लगती है तो हमें पास वाले, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें अच्छे से समझने के लिए सर की बात, एम एम एल साहब की अच्छे से बात समझने के लिए कानों में उंगली लगानी पड़ती थी, अच्छे से उनकी बात को समझने के लिए, क्योंकि पास से क्या आवाज आती थी, एपल एपल, बिफोर बड़ा एपल. हाँ चलो सर, टीचर्स ग्रेट रूलर. और सुनो,
टीचर का ग्रेट रूलर। रूलर क्या है पता है? यहाँ पे रूलर है लकड़ी का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ, लोहे का बना हुआ डंडा, ये रूलर होता है। तो गुरुजी के पास में तो लोहे का डंडा था, जो एमएमएल साहब थे ना उनके पास में तो लोहे का डंडा था। तो गुरुजी का डंडा रैपिंग, रैपिंग का मतलब क्या होता है? रैप का मतलब होता है खटखट, रैपिंग ऑन द टेबल। गुरुजी टेबल पे मारा करते थे, छोरे पढ़ ले, पार्टिसिपल पूछूंगा, ऐसा ऐसा। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टील, लेकिन आज Now, but now it was so still, लेकिन आज तो so still, बिल्कुल peaceful था, बिल्कुल शांत था, कोई शोर शराबा नहीं था। तो मैंने तो एक पल के लिए तो सोचा क्या पता छुट्टी है क्या, मैंने तो एक पल के लिए सोचा कोई शोर शराबा ही नहीं हो रहा, कोई आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल शांत है, विदाउट नॉइज, कोई आवाज ही नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंड ऑन होना। अब देखो काउंटेड ऑन का मीनिंग क्या निकलेगा, कॉमोशन का मतलब भीड़ भड़ाका, भयंकर आवाज है, ठीक है, कंफ्यूज कर देने वाले। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अब वो सोच रहा है बैठा बैठा, वो बैठे बैठा के आया है, वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना था। आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे साहस जुटाकर टू गेट टू माई डेस्क, मेरी चेयर पर, मेरी जगह पर मुझे जाना था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे, मतलब गुरु जी को दिखे, कि मैं गुरु जी को नहीं दिखू, ऐसे मुझे चोरी से क्लास में जाना था। होता नहीं है क्या कभी कभी ऐसा ही होता है, जब अपन लेट हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे देखते हैं जगह जगह, यार ऐसी जगह से मैं निकल जाऊं, ऐसी जगह से मैं घुस जाऊं, गुरु जी को पता ही नहीं चले, होता है कि नहीं होता? वैसा है ये अपना छोटा बच्चा फ्रेंड सोच रहा था, ठीक है। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी, देखो दैट डे, बट उस दिन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन भाई साहब वो दिन था ना, वो दिन तो इतना क्वाइट था, इतना स्टिल था, इतना पीसफुल था, इतना शांत था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती, कभी स्कूल जाना संडे को, बिल्कुल शांत, कोई आवाज ही नहीं होती, ऐसा वहां पे माहौल हो रखा था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से ही, अभी अंदर ही है, खिड़की में से आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे कक्षा के बच्चों को तो देख लिया था, मेरे साथियों को तो मैंने देख लिया था, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी पहले से इन देयर प्लेसेस, अपने प्लेसेस पर थे वो। एम हेमल वॉकिंग अप, एम हेमल साहब जा रहे हैं इधर उधर, इधर उधर, गुरुजी इधर उधर घूम रहे हैं, एंड विद हिज टेरिबल, अपने भयंकर आयरन रूलर के साथ में, लोहे के डंडे के साथ में गुरुजी घूम रहे, डंडे को अपने यहां लगा के यूं चल रहे हैं भाई साहब गुरुजी तो, हियर एंड हियर, इधर उधर, ठीक है। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा द डोर, दरवाजा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से मुझे जाना पड़ा। You can imagine, तुम उस समय कल्पना कर सकते हो, गुरुजी के हाथ में डंडा है, क्लास बिल्कुल शांत है, और मुझे सबके सामने से निकलना है, मेरी क्या स्थिति हो रही होगी भाई साहब, स्थिति खतरनाक खत्म, ठीक है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्म आ रही थी। ब्लश के दो मीनिंग होते हैं, एक तो शर्म के मारे चेहरा लाल हो जाना, चेहरा लाल हो जाता है ना किसी का, और एक शर्म के मारे लाल हो जाना, एक गुस्से से लाल हो जाना। तो भाई साहब इसका शर्म के मारे लाल हो गया, इसको डर भी लग रहा था, गुरुजी आज तो फोड़ेंगे भाई साहब, आज तो गुरुजी मुझे फोड़ेंगे भाई साहब, हैं? I blushed, how frightened, मैं कितना डरा हुआ था, and I wrote, मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना blushed था, कितना शर्मा रहा था, मतलब ऐसी मेरी स्थिति हो रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इमेजिन करो, सबके सबके को बेटा इमेजिन करो, और कमेंट बॉक्स में अभी बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब, मैं तो ये सोच रहा था, वो सोच रहा था, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये वो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब, बट नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एमएमएल सो मी, एमएमएल साहब ने मुझे देखा, गुरुजी ने मुझे देखा, एंड सर वेरी काइंडली, बड़े ही काइंडली बोले, बड़े ही काइंडनेस के साथ में बोले, बड़े ही दयालुता के साथ में बोले, क्या बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से तुम्हारे स्थान पर जाकर बैठ जाओ मेरे बच्चे, लिटिल फ्रेंच, अब आया है उस बच्चे का नाम, कि मेरे बच्चे लिटल फ्रेंक, छोटे से बच्चे, छोटे से फ्रेंक, अरे जाके बैठ जा भाई, इतनी लेट तो पहले से आया, बैठ जा आराम से, बोले गुरुजी प्यार से बोले, ठीक है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, गुरुजी बोल रहे हैं अभी भी कि वी वर बिगिनिंग, हम स्टार्ट करने वाले थे विदाउट यू, हम तो भाई साहब तुम्हारे बिना ही, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन को स्टार्ट करने वाले थे। आई जंप फॉरवर्ड एंड फिर तो जोश आ गया साहब, आई जंप फॉरवर्ड, मैं कूद गया भाई साहब, ठीक है, द बेंच, बेंच से कूद, कहने का मतलब बेंच पे जाके बैठ जाएगा, एंड सेट डाउन एट माय डेस्क, मैं मेरे डेस्क पर बैठ गया, नॉट टिल देन, तब तक मैंने गौर नहीं किया, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट, गॉट ओवर, एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, गॉट ओवर,
जैसे ही मैंने गेट ओवर किया, जैसे ही मैंने काबू पाया, जैसे ही मेरे मन को तसल्ली हुई, तसल्ली, जैसे मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, डिड आई सी, मैंने क्या देखा, आर टीचर, हमारे गुरुजी, आहा, हेड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, गुरुजी ने ग्रीन कोट पहन रखा था, थोड़ी देर बाद तसल्ली हुई मुझे, फिर मैंने गुरुजी को देखा और वाह यार गुरुजी आज तो ग्रीन कोट में यार गजब भाई, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी लहरदार शर्ट, आहा लहरदार शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी सिल्क की कैप टॉपी, उन्होंने टॉपी लगा रखी थी रेशम की कुछ बनी हुई ऐसा कपास कपास क्या होता है जो, और एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, धागे से कसीदा कारी करी हुई थी, जोरदार बनाया हुआ था ऐसे, आजकल लोग टैटू नहीं बनवाते क्या, तो टोपियों पे टैटू बनते थे पहले, कपड़ों पे टैटू बनते थे, तो उन्होंने टैटू बना रखा था कपड़ों के ऊपर, एम्ब्रॉयड की हुई थी उनकी शर्ट, ठीक है, उनकी शर्ट एम्ब्रॉयड की हुई थी, दैट ही नेवर वॉर, वो कभी नहीं पहनते थे उस ड्रेस को, एक्सेप्ट के सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, कब पहनते थे भाई साहब, तो वो पहनते थे ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन टी आई ओ एन है, इसका मतलब नाउन है, इंस्पेक्शन के टाइम पे पहनते, क्या होता है इंस्पेक्शन, अरे जब कभी जांच पड़ताल आती है स्कूल की, कोई बड़ा ऑफिसर चेक करने के लिए आता ना, उस समय गुरुजी से बंद ठंड रहते थे भाई साहब, सूट वूट लगाकर, टाई वाई लगाकर, आप अपनी उसमें देखो ना, किताबों में देखो, किताब में देखो वैसे गुरुजी टाई वाई लगाकर, मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी टोपी वोपी क्या क्या भाई साहब, और प्राइस डे, और कभी फंक्शन होता था 26 जनवरी 15 अगस्त टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे, जब भी कोई फंक्शन होता था उस समय गुरुजी पहना करते थे, बिसाइड्स इन सब के अलावा द होल स्कूल, कंप्लीट स्कूल, सारी की सारी स्कूल सीम्ड ऐसे लग रही थी, सो स्ट्रेंथ, बड़ी अजीब सी लग रही थी यार आज स्कूल, हमेशा तो शोर शराबा होता बट आज स्कूल बड़ी अजीब सी दिख रही थी, सोलह बड़ी गंभीर टाइप की स्कूल, एकदम शांत स्कूल, सीरियस, बट द थिंग That surprised me. लेकिन वो चीज जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया, मोस्ट बहुत ज्यादा, वो क्या था, टू सी, मुझे देखना पड़ा ऑन द बैक बेंच, पीछे वाली कुर्सी ऊपर, वर ऑलवेज एम्प्टी, वो कुर्सियां जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी उन कुर्सियों पर द विलेज पीपल, गांव के लोग सिटिंग क्वाइटली, ओ माई गॉड, बड़ी साइलेंटली बैठे हुए थे, स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन गांव के लोग भी बैठे हुए थे भाई साहब उस दिन, अच्छा, लाइक आरसेल्व्स, आरसेल्व्स हमारे जैसे ही वो बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए थे, जिसमें ओल्ड होजर, पुराना होजर भी बैठा हुआ था, होजर एक पोस्ट होती है बेटा, है ना, होजर एक पोस्ट है, वहां पर जो जर्मन ब्रांड होता है, ये एक ब्रांड है, होजर बोला जाता है उसको, एक होजर बैठा हुआ था विद हिज थ्री कॉर्नर कैप, अपनी तीन कोने वाली टोपी हेड लगा था, फॉर्मर मेयर, कौन, फॉर्मर मेयर मतलब एक तरीके से आप उसको होजर को सरपंच कह सकते हैं, सरपंच टाइप का व्यक्ति बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमैन भी, पोस्टमैन से बड़ा पोस्टमास्टर भी बैठा हुआ था, सेवरल अदर्स भी थे इन सब के अलावा और भी बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, कुल मिलाकर गांव वाले बड़े बड़े नामी ग्रामी छोटे मोटे सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, कहां, क्लासरूम में, तब उस दिन कहां, कुर्सियों के पीछे वाले साइड में, बेंचेज के पीछे वाले साइड में गांव के लोग बैठे हुए थे, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा शक होने लगे, भाई साहब क्या बात होगी, आज गांव के लोग क्यों आ गए और गुरुजी नए कपड़े पहनकर क्यों आए, क्या बात होगी, एवरीबॉडी लुक्ड सेड, प्रत्येक व्यक्ति सेड, भाई साहब जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना मतलब सारा सुना सुना लग रहा था, एंड होजर हेड ब्रोट, होजर साहब है ना वो सरपंच ऐसे मान लो, ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी सी किताब लेकर आया था, पुरानी सी किताब जो येलो जिसके पेज होते हैं, फटे पुराने से जिसके पेज होते हैं, जिससे अंगूठा लग लग कर घिस चुकी किताब होती है, येलो और क्रिंकली किताब होती है, ऐसी किताब थी, ए बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड, एक बुक जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं पढ़ाया जाता, ये बुक मान लो प्राइमर ये भी होता है, और प्राइमर एक ऐसी किताब भी होती है जो एक तरीके से जिसमें लोगों का रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ, थम्ब एट द एज, एज मतलब किनारा, थम्ब का मतलब अंगूठा, अंगूठे से लग लग किनारे पे अंगूठा लगा रहता, मतलब ऐसे अंगूठे से अपन किसकाते रहते तो किताब जैसे मुड़ मुड़ा जाती है वैसा हो रखा था, एंड ही हैड इट ओपन, ही मतलब उसने हेड मतलब रख रखा था, इट मतलब उसको ओपन मतलब खुली रख रखा था, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर बैठे हुए हैं साहब, और घुटनों पर उन्होंने किताब खोल रखी और उस किताब के ऊपर उनका चश्मा पड़ा हुआ है, एंड हिज ग्रेट स्पेक्टाकल्स, स्पेक्टाकल्स का मतलब चश्मा है ना, उन साहब का चश्मा लाइन पड़ा हुआ था अप्रोच द पेजेस, पेजेस के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है समझ में आ रही बात क्लियर,
गांव के लोग बैठे हुए हैं, किताब खुली हुई है, किताब के ऊपर चश्मा पड़ा हुआ है और सब चुपचाप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे अबरोए अबरूम अबरोम अबरूम, ऐसा ऐसी स्थिति हुई। While I was wondering, जब मैं इन सब के बारे में वंडर कर रहा था, सोच रहा था अबाउट इट ऑल, जब इन सब के बारे में सोच रहा था, उसी समय भाई साहब एम हेमल माउंटेड माउंट हो गए। एम हेमल साहब इतनी देर तो घूम रहे थे ना इधर उधर इधर उधर डंडा लेके, अब बैठ गए भाई साहब हिज चेयर, माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उतने ही दुख के साथ में, जेंटल टोन में, बड़ी प्यारी सी आवाज में, बड़े ही अच्छे से तरीके से, which he had used to me, जो अक्सर वो बोला करते थे मुझसे, मुझसे मतलब मुझसे बोला करते थे प्यारी सी आवाज में, वैसे ही उन्होंने बोला, my children, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है, my children, this is the last lesson, आज के बाद में तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा अंतिम पाठ है, गुरुजी ने कहा, this is the my last lesson. I shall give you, मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ये last lesson है, the order, oh, 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 ये line है, बहुत important आने वाली है, question का answer बनेगा, कि the order has come from Berlin, कहाँ से आया था order, Berlin से पूछा जाएगा question, order कहाँ से आया, Berlin से आया, to teach only German, अब तुम्हें क्या पढ़ाई जाएगी, German, इसका मतलब पहले क्या पढ़ाई जाती थी, French, ये जो last lesson है, इसमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी, French, फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, कौन सी पढ़ाई जाने वाली है, जर्मन, कौन सी पढ़ाई जाने वाली है, जर्मन, इसका मतलब जर्मनी वाले लोगों ने आक्रमण कर दिया, अब हमारी भाषा चलेगी भाई साहब, तुम्हारी भाषा को हटा दो, तुम्हारी भाषा को हटा दो, नहीं हटा दो, तुम्हारी भाषा को हटा दो, ठीक है, ऑल इज जर्मन तुम्हें पढ़ाई जाएगी, स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, ये दो जगह है, इन दो जगह के ऊपर तुम्हें, ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ए एल ए एस, याद कर लेना, एल्सास और लॉरेंस, इन दो स्कूल्स के अंदर आपको कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया मास्टर कब आएगा, कल आ जाएगा, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं यू, तुम सबसे, मैं तुम सबसे चाहता हूं टू बी वेरी अटेंटिव, यहां सबके सब ध्यान लगा रहा, मैं तुम सबसे चाहता हूं तुम सब अटेंटिव हो जाओ, कंसंट्रेट कर लो, ध्यान एकाग्रचित कर लो, पूरा ध्यान लगाओ, ठीक है, मैं ये चाहता हूं, व्हाट ए थंडर क्लैप, गुरुजी की बात सुनते बिजली कड़क गई मेरे सिर के ऊपर, बिजली भाई भाई मेरा मेरा माथा फोड़ दिया बिजली ने, जैसे थंडर क्लैप हुई ऐसा वो शब्द मुझे ऐसे लगे जैसे बिजली कड़क गई, व्हाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, वो शब्द मेरे लिए बिजली कड़कने से जैसे शब्द थे, ओ दैट बेचारा बेचारे मेरे गुरुजी, बेचारे मेरे गुरुजी, that was, यही तो वो था, what they had put up, अरे यही तो वो चीज थी जो put up करी हुई थी, वो टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड था, जो नोटिस बोर्ड था, जो लोग इकट्ठा हो रखे थे, अरे वो यही तो put up था, वो यही तो चिपका हुआ था, यही तो लगा हुआ था at the town hall, my last French lesson, मेरा अंतिम फ्रांस की भाषा से रिलेटेड पार्ट, Why? क्यों? अब वो सोच रहा है क्यों? I hardly knew. अरे भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो hardly knew. मैंने मुश्किल से ही तो जाना था. अरे मुझे अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना आया था मेरे भाई. How to write की कैसे लिखते हैं? ये अभी अभी तो मुझे पढ़ना आया था. ये अभी अभी तो मुझे पढ़ना आया था. I should never learn anymore. और अब मैं सीख ही नहीं पाऊंगा. मुझे अभी तो पढ़ना आया था और अब मैं सीख ही नहीं पाऊंगा. ये क्या हो गया? आई मस्ट स्टॉप. मुझे इसे रोकना पड़ेगा. मुझे मेरी पढ़ाई रोकनी पड़ेगी. ओ हाउ सॉरी. कितना दुखी हूं. आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. अब मैं मेरे लेसन नहीं सीखूंगा. अब मैं मेरी पढ़ाई नहीं करूंगा. क्यों ऐसा? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स. क्या मैं अब मुर्गियों के अंडे नहीं ढूंढूंगा? ऐसे ऐसे उसकी कोई पढ़ाई है ही. गो स्लाइडिंग. क्या मैं स्लाइडिंग नहीं करूंगा? स्लाइडिंग का मतलब क्या है? स्लाइडिंग वैसे आप घिसलपट्टी समझते हैं, घिसलपट्टी, घिसलपट्टी पे घिसना, झूलना, तो इस सारी घिसलपट्टी नहीं है, पानी में तैरने बैठने की इनकी बात होगी, ठीक है. स्लाइडिंग स्मूदी और स्मूथ सरफेस, सरफेस के ऊपर फिसलते हुए जाना. ऑन द सार. सार का मतलब यहाँ पर पता है क्या? सार ए टाइप ऑफ रिवर, एक प्रकार की नदी है, है ना, उस नदी के ऊपर तैरते हुए जाना, घिसलते हुए जाना, ऐसे ऐसे कुछ बात हो रही है. माई बुक्स, मेरी किताबें, कोमा लगा हुआ है, कोमा, अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ, माई बुक्स, अब रुक जाओ, क्या लिखा हुआ है?
मेरी किताबें जो मुझे नॉनसेंस लगती थी, बदतमीज लगती थी, बेकार लगती थी, किताबें तो बहुत ही बुरी लगती थी, किताबें लेते मुझे नींद आती थी। तुम्हारे साथ में ऐसा ही होता है भाया? हाँ, जब भी तुम किताब लेकर पढ़ने लगते हो तुरंत नींद आ जाती है। आती है कि नहीं आती, कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, जो किताबें मुझे बहुत भयंकर बुरी बेकार लगती थी वो किताबें, अभी तो सुनो, वाई लेगो, कुछ समय पहले तो जो मुझे बुरी लगती थी, सो हेवी टू कैरी, भाई साहब ऐसे लगता था जैसे मैं पहाड़ उठा के लेके जा रहा हूँ, इतना भारी मेरा बैग था। माई ग्रेमर, और ग्रेमर तो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी, ठीक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, और मेरे साधु संतों की वो किताबें, वो जो बहुत बुरी लगती थी वो किताबें, अब ओल्ड फ्रेंड्स, अब मेरे लिए ओल्ड फ्रेंड्स थी, अब मुझे वो किताबें अचानक से फ्रेंड बन गई मेरी, है ना। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, अब मैं नहीं छोड़ सकता मेरी किताबों को, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे मेरी किताबें अब बहुत प्यारी लगती, अब मैं नहीं जाऊं मेरी किताबों को छोड़कर, ऐसा ऐसा उसको फील हो रहा है। चलो, एम हेमल टू एम हेमल की द आइडिया, अब एम हेमल के बारे में सोचते हैं, वो गुरुजी जो मुझे दिखते ही बुरे लगते थे, आज मुझे वो गुरुजी बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखो, एम हेमल द आइडिया, वो विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि गुरुजी जाने वाले हैं, ये विचार, I should never see him again, मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, ये वाला विचार, made me forget, मुझे सब कुछ बुला दिया गुरु जी, कि गुरु जी अब मुझे नहीं पढ़ाएंगे, गुरु जी मेरे साथ में नहीं रहेंगे, तो मुझे सब कुछ बुला दिया होगा ना, भुला देना मुझे, गुरु जी बोल रहे बेटा भुला देना, अगर मैंने तुझे मारा है तो भुला देना है। Forget all about his rule, गुरु जी के डंडे के बारे में भूल गया, क्रेंकी, गुरु जी कितने क्रेंकी थे, क्रेजी किया रे, बावड़े थे गुरुजी, मैं समझता था ऐसा, क्रेंकी का मतलब झक्की पर्सन, स्ट्रेंज टाइप के, थोड़े अजीब से गुरुजी थे, है ना, ही वाज पुअर मैन, बेचारे हमारे गुरुजी, रोना आ रहा है, इट वाज इन ऑनर, अच्छा इट वाज हिज ऑनर, ये उनके लिए सम्मान था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन ही उनका अब सम्मान था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, तभी उन्होंने संडे के फाइन क्लोथ्स पहन रखे थे। नाउ अब आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बड़े बड़े लोग वर सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, रूम के पीछे की तरफ बैठे हुए थे, अब मुझे समझ में आया, इट वॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि, इट वॉज बिकॉज, वो गांव के लोग इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि, क्योंकि दे वर सॉरी, गांव के लोग भी दुखी थे, बेचारे उनको भी दुख हो रहा था कि मार साहब आया है नया नया और अब वापस चले, ऐसा कुछ, ठीक है, दे वर सॉरी, वो दुखी थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था भाई, ये गांव वालों का तरीका था, देयर वे, ये गांव वालों का वे था, गांव वालों का तरीका था, थैंकिंग आर मास्टर, हमारे मार साहब को, हमारे गुरुजी को धन्यवाद देने का, ये हमारे गांव वालों का तरीका था, कैसे, चुपचाप बैठकर, ठीक है। 40 इयर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने साल, कितने साल एम एम साहब ने अपनी सेवाएं दी, 40 इयर्स, 40 साल बात कर, फेथफुल सर्विस दी थी भाई साहब, फेथफुल सर्विस, भरोसे लायक, है ना, सिंसियर सर्विस दी थी, सेवाएं दी थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, ऑफ देयर, गांव वालों का रेस्पेक्ट था ये फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब नहीं होगा, जो कि अब नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी चले जाएंगे, अब तो उनको कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, अब तो उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ। व्हाइल जब, व्हाइल मतलब जब, आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब इन सब के बारे में सोच रहा था, तो आई हर्ड माय नेम, मैंने मेरा नाम सुना, मेरा नाम बुलाया गया, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी, मेरी साइड थी रिसाइट करने की, सुनाने की, क्या सुनाने की, जोर जोर से सुनाने की, क्या, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, अब मेरी बारी आई थी पार्टिसिपल के रूल सुनाने की, लेकिन मुझे तो पहला अक्षर ही नहीं आता था, ओ भाई रे भाई, जैसे गुरु जी ने मेरा नाम लिया साला, मैं तो पहला अक्षर ही भूल गया, होता है ना, गुरु जी जैसे डंडा लेके आते हैं और तुम, मुझे बच्चे बोलते हैं सर ये डंडा दूर रखो, हम तो पहला अक्षर ही भूल जाते हैं आप आते हो, तो वैसा ही कुछ हुआ। देखो, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं कुछ कहने लायक ही नहीं रहा,
दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयंकर वो ड्रामे रूल्स फॉर द पार्टिसिपल के रूल्स ऑल थ्रू, जो मुझे बोलने थे वेरी लाउड बोलने थे एंड वेरी क्लियर बोलने थे विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक किए बोलने थे। अरे भाई साहब यहाँ तो सब कुछ बिगड़ गया, जैसे ही नाम लिया मैं सब कुछ भूल गया। बट आई गॉट मिस्टर, मुझे वो रूल सुनाने थे, क्लियर कट सुनाने थे, एकदम फाइन सुनाने थे, स्पष्ट आवाज में सुनाने थे, लेकिन ऑल मिक्स्ड अप, सब के सब मिक्स अप हो गए, कंफ्यूज हो गया मैं। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द ही भूल गया, स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माय डेस्क, और मैंने मेरे डेस्क को पकड़ लिया, गर्दन झुका ली, चुपचाप नीचे गर्दन करके खड़ा हो गया, क्योंकि सब भूल गया मैं। ठीक है, माय डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा हो गया, माय हार्ट बीटिंग, मेरे हृदय की धड़कन धक 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 धक, मेरे हृदय की धड़कन, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई लुक अप, ऊपर देखने की, मेरी तो ऊपर देखने की क्या नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई। आई हर्ड, मैंने सुना, मैंने क्या सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे जो कहा वो मैंने सुना। एम हेमल ने क्या कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, अरे मेरे बच्चे, आई विल नॉट डांटू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई विल नॉट स्कॉल्ड यू, चाइड यू, रिब्यूक, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ठीक है लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बेटा, यू मस्ट फील बेड इनफ, तुमने पहले ही बहुत ज्यादा बेड फील कर लिया है कि तुम्हें कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, पहले ही तुमने बेड फील कर लिया है, मैं तुम्हें ज्यादा बेड फील नहीं कराऊंगा। सी देखो हाउ इट इज, देखो बेटा ये कैसे होता है, ये पार्टिसिपल क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा ऐसा गुरुजी बोले, एवरी डे प्रत्येक दिन वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, गुरुजी अब ज्ञान दे रहे हैं, हर दिन तो हम अपने आप को कहते रहते हैं, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, पर ourselves, हम प्रत्येक दिन तो अपने आप को कहते रहते हैं, बाह बाह मतलब a sound which shows disapproval, disapproval का मतलब मना करना, बाह पक्का पढूंगा मैं दादी को, नहीं, no, बाह मतलब no, I have plenty of time, अरे बहुत सारा समय अभी मेरे पास है, I have plenty of time, गुरुजी बोल रहे हैं, तुम प्रत्येक दिन तो कहते थे वाह बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट, मैं सीख लूंगा, मैं याद कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, टुमारो मैं कल कर लूंगा, मैं कल पढ़ लूंगा, अरे मैं कल गुरुजी कल कर लूंगा, ऐसा वैसा कई चीजें, ठीक है ये मैं कल कर लूंगा, मैं ये परसों कर लूंगा, मैं ये फलाना, मैं ढीका, ऐसा ऐसा कुछ। चलो सर फिर एंड नाउ, और अब देखो वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां आ चुके हैं, तो समय नहीं रहा मेरे बच्चों, that is the great trouble, कितनी भयंकर trouble आई है, difficulty आई है, problem आई है, with LCS, LCS के साथ में, she puts off learning till tomorrow, see मतलब जगह है, एक तरीके से puts off मतलब postpone करना, learning मतलब सीखना, till मतलब tomorrow, till tomorrow, tomorrow तक, ठीक है, कि see puts off, उसने टाल दिया था सीखना, उसने सीखना टाल दिया था कल तक, कि कल सीखूंगा, कल सीखूंगा, कल सीखूंगा, now अब those fellows, वो लड़के वो बच्चे out there will have the right to say to you, अब वो right to say to you, अब वो तुम्हें कहने के लिए आए हैं, how is it, अब कैसे कहोगे, अब कैसे करोगे, you can pretend, तुमने तो बहाना बनाया था, you pretend, तुमने बहाना बनाया था, pretend किया था to be Frenchman, अब अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो एक तरीके मतलब पहले की बात है, तुमने तो बहाना बनाया था कि Frenchman है, हम Frenchman है, जैसे हम कहते हैं Indian, we are Indian, we are Indian, ऐसा ऐसा, तो वो बोल रहा है हम Frenchman है, हम Frenchman है, हम Frenchman, अब बताओ अब क्या करोगे, कहते थे हमारे पास बहुत समय है, ये है वो है, अब ऐसा कुछ, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, और अब स्थिति है neither speak nor write your own language, अब तो तुम तुम्हारी खुद की भाषा ना तो बोल पाओगे ना लिख पाओगे, गुरुजी कह रहा है अब तो ना तुम बोल पाओगे, बच्चों धीरे धीरे आराम से कह रहा है, ना तो बच्चों अब तुम बोल पाओगे यार, ना तुम अब लिख पाओगे, अब क्या करोगे तुम, हैं, but you are not the worst, poor little French, लेकिन मेरे गरीब बच्चे, गरीब मतलब मेरे बेचारे बच्चे, मेरे लिटिल फ्रेंच, यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम ही बेकार नहीं हो, तुमने ही गलतियां नहीं करी है, अब वो अपने आप को भी ब्लेम करेगा। We have all a great deal to reproach ourselves with। हम भी अपने आप को reproach करते हैं, ब्लेम लगाते हैं। We have all a great deal to reproach। हम भी अपने आप को reproach करते हैं। Deal reproach का मतलब ब्लेम लगाना। हम भी अपने आप के ऊपर दोषारोपण करते हैं। Your parent, अब माता पिता पर भी आएगा, फिर अपने आप पर भी आएगा, फिर थोड़ी सी कुछ जगह बताएगा, ऐसे करते 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 आगे बढ़ेगा। Your parents, तुम्हारे माता पिता were not anxious, तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे,
enough to have you learn, तुम्हें तुमको सिखाने के लिए। होता है कई कई बार हम देखते हैं कई बच्चे जिद करके स्कूल आते हैं क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़े, उनके माता पिता चाहते कि मेरा बच्चे सब्जी बेच ले, गड्ढा खोद ले, खेत में काम कर ले, थोड़ा सा कमा के हमें दे दे। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं। तो उसने एक फ्रेंड, ये क्या नाम, एमएमएल साहब यही बोल रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस, तुम्हारे माता पिता को तो चिंता ही नहीं थी, तुम्हारे माता पिता को चिंता ही नहीं थी कि हैव यू लर्न, कि तुम्हें सीखना भी है। दे प्रीफर, उनको तो लगता था, उनकी तो इच्छा थी कि टू पुट यू टू वर्क, कि तुम काम करो किसी फार्म में या किसी मिल में, उनकी तो ये इच्छा थी कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करो, उनको पैसा कमा कर दो, उनकी तो ये इच्छा थी। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम उनको थोड़ा सा लिटिल मोर मनी, ज्यादा पैसा कमा कर दे दो, माता पिता की तो ये इच्छा थी। माता पिता ने तो कभी चाहा ही नहीं कि तुम पढ़ो, एमएमएल साहब बोल रहे हैं, उनकी तो ये इच्छा थी कि लिटिल मोर मनी, तुम उनको थोड़ा सा पैसा कमा कर दो। एंड आई, और आई, आई बोलकर क्वेश्चन मार्क, और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ में, मैंने क्या किया, आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप के ऊपर भी दोष लगाता हूं। Have I not often sent? क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? क्या तुमको मैंने नहीं भेजा? Water my flowers? मेरे फूलों को पानी देकर आओ, जाओ मेरे बच्चों जाओ फूलों को पानी देके आओ, पेड़ों को पानी देके आओ, पौधों को पानी देके आओ, जाओ। Instead of learning, अरे सिखाने के बजाय your lessons, तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय मैंने तुमसे क्या कहा, जा पानी देके आ, पप्पू जा बेटा फूलों में पानी देके आ, गप्पू जा बेटा क्या बोलते हैं उसको, बेल में पानी दे क्या, जा भाई डप्पू तू ये कर क्या, ऐसा ऐसा ऐसा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कभी कभी मेरी इच्छा होती थी घूमने की, यहाँ पे फिशिंग का मतलब था मछली पकड़ने की, जब कभी भी मेरी इच्छा होती थी, तो डिड आई नॉट, क्या मैंने तुम्हें गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं करी? गुरु जी अपने आप को दोस्त लगा रहे। Then from one thing to another, एक के बाद एक। M. Hemal went on to talk. M. Hemal बातचीत करते रहे French language के अंदर, saying that, कहते हुए कि it was the most beautiful sketch map not to scale language in the world. क्या बोल रहे हैं गुरुजी कि it was the most beautiful language in the world. ये संसार की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी भाषा है, ऐसा एम हेमल साहब ने कहा, कह दिया। चलो ठीक है सर। द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, सबसे साफ सुथरी लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल, जिसके अंदर ज्ञान 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 बराबर तर्क संगत हमारी भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड, और ये भाषा ही हमें गार्ड करती है। अब यहाँ पर भी एक बात आएगी कि जो बंदा अपनी भाषा को जानता है वो कभी गुलाम नहीं होता, जो बंदा अपनी भाषा को जानता है वो कभी गुलाम नहीं बनता, और जिसको भाषा आती है वो भाषा ही उसको गार्ड करती है, वो भाषा ही उसको सुरक्षित रखती है, वो भाषा ही उसकी रक्षा करती है। कि वी मस्ट गार्ड, हमें हमारी भाषा को गार्ड करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस नेवर फॉरगेट इट, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, अब बता रहा है उदाहरण देकर, अगर कोई व्यक्ति, व्हेन अ पीपल, ए पीपल का मतलब कोई व्यक्ति, अगर यहाँ पर ए पीपल का मतलब राष्ट्र है, नेशन, NATION, क्योंकि पीपल का मतलब राष्ट्र भी होता है, और पीपल्स का मतलब बहुत सारे राष्ट्र, याद रखना पीपल का मतलब लोग नहीं है, और देयर इज नो लोग, तो की बात नहीं हो रही, ए पीपल का मतलब एक राष्ट्र, कि जब एक राष्ट्र, यहाँ पे अब राष्ट्र के लोगों की बात की जाएगी, आर एंड स्लेव, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, और यदि वो एज फास्ट जितना हो सके चिपके रहते हैं टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से, तो इट इज एज इफ, ऐसे माना जाता है कि दे हैड द की, दे हैड द की का मतलब भाषा ही उनकी चाबी होती है, देयर प्रिजन उनके जेल की। अगर उनको भाषा अच्छे से आती है तो भैया, अगर उनको गुलाम भी बना लिया जाता है, उनको जेल भी डाल दिया जाता है, तो उनकी भाषा ही उस जेल की चाबी बनती है, चाबी बनती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। Then he opened a grammar book. अब गुरुजी ऐसे कहते हैं, ग्रामर की बुक खोल लेते हैं साहब। गुरुजी ने ग्रामर की बुक पढ़ाना शुरू करेंगे, सारी बुक्स पढ़ाएंगे गुरुजी, अकेले गुरुजी हैं। ग्रामर की बुक खोली एंड रेड अस आवर लेसंस, और गुरुजी ने हमको अपना पार्ट रेड करवाया, पढ़वाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं सरप्राइज्ड था, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मतलब फ्रेंड ये बोल रहा है कि पहली बार जीवन में मुझे गुरुजी की बातें समझ में आ रही थी, पहली बार बोल रहा है ना कि आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि आज कितने वेल, कितने अच्छे तरीके से मैं समझ पा रहा हूं। ऑल ही सेड, जो भी गुरुजी ने कहा, सीम टू इजी, सो इजी,
बहुत इजी लग रहा था, सो इजी, बहुत इजी लग रहा था. आई थिंक मैंने सोचा दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. अब वो सोच रहा है मुझे इतने अच्छे से समझ में क्यों आया, इतने दिन तो नहीं आया. तो वो बोल रहा है कि शायद आई हैड नेवर, मैंने कभी लिसन, कभी गौर से नहीं सुना, सो केयरफुली, इतनी केयरफुली मैंने कभी नहीं सुना होगा. तब मुझे समझ में नहीं आया, बट आज मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत गौर से सुना है. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, वो शायद हो सकता है गुरुजी ने भी नेवर कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को. सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ, इतने बढ़िया तरीके से गुरुजी ने भी आज तक कभी नहीं समझाया. शायद इसलिए मुझे ये सब चीजें समझ में आ रही है. आगे बढ़ो. It seemed almost, ये लगभग as if ऐसे थी, the poor man, बेचारा आदमी, बेचारा गुरुजी, wanted मतलब चाहते थे, to give us, हमें देना चाहते थे, all he knew, जो वो जानते थे, before going away, जाने से पहले. ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी जाने से पहले हमें बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, जो भी गुरुजी जानते हैं. And to put it all into our heads, और गुरुजी हमारे खोपड़ी में, हमारे हेड में, हमारे सिर में पुट करना चाहते थे, घुसाना चाहते थे, वन स्ट्रोक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक. आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर का पार्ट होने के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब हमारा लिखने का नंबर आया, अब हमें लिखना था. दैट डे, उस दिन एम हेमल हैड अ न्यू कॉपी. एम हेमल साहब, छोटे छोटे बच्चे, एम हेमल साहब हमारे लिए छोटी छोटी कॉपियां लेकर आए, कॉपीज लेकर आए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड. रिटन मतलब लिखा हुआ था, राउंड मतलब गोल 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 गोल, हाथों से गोल 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 गोल, हाथों से गोल 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 गोल, हाथों से नहीं, हाथों से गोल गोल. फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ था, एल्सास फ्रांस, ऐसा कुछ, ठीक है, एल्सास फ्रांस. दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग. वो कॉपी में लिखे हुए अक्षर, वो गोल 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 गोल, वो राउंड्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि झंडे हो, फ्लैग्स हो, और फ्लोटिंग, और तैरते हुए झंडे हो, मूविंग अराउंड, तैरते हुए एवरीवेयर, चारों तरफ इन द स्कूल रूम. क्योंकि वो कॉपियां थी, वो कॉपियां चारों तरफ बच्चों के पास थी, कुछ बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा, तो सब वो ऐसे ऐसे लग रहे थे जैसे झंडे दे रहे, ठीक है. हंग फ्रॉम द रोड, रोड का मतलब था बार, लोहे की छड़, और जैसे छड़ से लटके हुए. एट द टॉप ऑफ द आर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर, और हमारी, एट द टॉप ऑफ द डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर हमने वो कॉपी या किताब या झंडे टाइप का जो भी उनका मटीरियल था वो लगा हुआ था. यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए, बोल रहा है. You ought to have seen, तुम्हें देखना चाहिए, how everyone set to work. अगर उस समय तुम होते तो तुम्हें दिखता, तुम्हें, ये फ्रेंड बोल रहा है, अब हम सबको बोल रहा है कि अगर तुम उस समय होते तो तुमको दिखता, क्या दिखता, everyone set to work, प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था. How quiet, कितना शांत, noiseless, कोई आवाज नहीं. It was, कितना शांति का मौसम था. The only sound, केवल एकमात्र sound was scratching का आ रहा था. Scratch मतलब रगड़ने की आवाज आ रही थी, pens की over the paper, paper के ऊपर pen के रगड़ने की आवाज आ रही थी बस. Once, एक बार उस समय beetles, beetle मतलब कोई insect है, कोई कीड़ा मकोड़ा है उड़ने वाला, flew in, अंदर उड़ कर आया. Nobody paid, भाई साहब किसी ने भी paid any attention, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कौन आया, इतना मतलब जबरदस्त लेवल पर पढ़ रहे थे. Not even the littlest one, यहाँ की हमसे जो छोटे-छोटे नन्ना मुन्ना राई मुंह देश का सिपाही, वो छोटे-छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया वैसा. Who worked right on, वो भी right on, they tried to improve or achieve, मतलब वो भी धीरे-धीरे लिखने की कोशिश कर रहे थे, tracing कर रहे थे their fish hooks, अपने fish hooks से मछली पकड़ने का काटा, उस प्रकार का उनके पास में कुछ होगा, ठीक है, उससे वो ड्रॉइंग बना रहे थे. As if मानो कि that was French. कि वो सब फ्रेंच में हो, सबके सब फ्रेंच के, मतलब सबके सब ऐसा ऐसा सबको लग रहा था कि आज ही हमने फ्रेंच सीखे सब. On the roof of the pigeons, on the roof, छत के ऊपर भी पिजन्स, कबूतर कू 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 कर रहे थे वैसा, वेरी लो. एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि विल मतलब will मतलब आगे की, they मतलब वे, कि वे make them sing, make them in German, कि वो लोग भी इसको क्या जर्मन में गाएंगे, ऐसा कुछ. Even the pigeons, यहाँ तक कि कबूतर भी ऐसे थे. Whenever, जब कभी भी, I looked up from my writing, सब लोग लिख रहे हैं, तो जब कभी भी मैंने लिखते 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 गुरुजी को देखा,
जब भी मैंने गुरुजी को लुक अप ऊपर की तरफ देखा, आई सो मैंने देखा एम एमल सिटिंग मोशनलेस, गुरुजी एकदम निढाल, एकदम बिना हिले डुले चुपचाप, ठीक है, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, गेजिंग, और गुरुजी देख रहे थे ऐसे, एक-एक चीज को, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एक चीज के बाद में एक चीज के बाद में एक चीज गुरुजी लगातार देखे जा रहे थे, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने माइंड में हर एक चीज को फिक्स करना चाहते हो, इम्प्रिंट करना चाहते हो, अपनी अपनी मतलब अपनी यादों में उन चीजों को प्रिंट करना चाहते हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, एवरीथिंग लुक, प्रत्येक चीज दिख रही थी इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो भी उस छोटे से क्लासरूम में जो भी दिख रहा था, गुरुजी प्रत्येक चीज को देखे जा रहे थे, गुरुजी प्रत्येक चीज को देखे जा रहे थे, ठीक है, दैट लिटिल स्कूल, फैंसी, फैंसी का मतलब आप जानती है डेकोरेटेड, फैंसी, फैंसी के बाद में लिखा, फैंसी मतलब कितने आश्चर्य की बात है, कितनी जो भी चीजें थी उनको देख रहे थे, फॉर 40 इयर्स, 40 सालों तक ही हैड बीन देयर, गुरुजी वहां पर रहे, सेम प्लेस पर रहे, मतलब उसी स्कूल में गुरुजी का ट्रांसफर ही नहीं हुआ कहीं, गुरुजी वहीं रहे, विद हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ में, आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की से बाहर ही दिखता था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ, और गुरुजी की क्लास जिसके सामने, हिम जस्ट लाइक दैट, मतलब गुरुजी एकदम निढाल से बैठे हुए हैं, खिड़की है, सब कुछ, वो चीजें एक-एक चीज को गुरुजी देखा, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, कहने का मतलब गुरुजी ने 40 साल तक सेवा दी ना, तो खिड़की भी वही, दरवाजे भी वही, गार्डन भी वही, सब कुछ वही, सेम टू सेम, बस एक चीज में परिवर्तन आया था, वो क्या था, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो गुरुजी के यहाँ पे जो डेस्क थी, जो बेंचेस थी, वो वॉर्न स्मूथ, वो घिस चुकी थी, क्योंकि जब गुरुजी 40 साल पहले आए थे तो कुर्सियां नहीं थी, धीरे 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 घिस गई, ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है गुरुजी के पास क्या क्या है, वॉलनट ट्रीज, ये पेड़ होता है अखरोट का, अखरोट का पेड़ लगा हुआ था गार्डन में, ठीक है जी, गार्डन में वर टॉलर एंड होप वाइन, ये एक बेल होती है, तो द होप वाइन जो बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो गुरुजी ने खुद ने लगाई थी, वो बेल ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो बेल दोगुनी चारगुनी होते होते खिड़की से ऊपर होते होते छत तक पहुंच गई, गुरुजी ने खुद ने लगाई थी, वो बेल भी ऊपर तक पहुंच गई है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, गुरुजी का हृदय कैसे टूट गया, गुरुजी का हृदय कैसे ब्रोकन हो गया, टूट गया, ठीक है, पुअर मैन बेचारे गुरुजी, टू हियर, गुरुजी ने सुना हिज सिस्टर मूविंग, गुरुजी की जो बहन है, सिस्टर है, इन द रूम, कमरे के अंदर, अबव, जो ऊपर गुरुजी का कमरा था, पैकिंग, वो सिस्टर पैकिंग कर रही थी, दे ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब बॉक्सेज वगैरह वो पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन अपना देश छोड़कर जाना था, बट ही हैड द करेज, लेकिन करेज था, साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन सुन रहे थे, टू वेरी लास्ट, अंत तक, हमने भी, गुरुजी ने भी, गांव वाले लोगों ने भी, सबने अंत तक सुना, आफ्टर द राइटिंग, जब राइटिंग का काम हो गया, तो वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का लेसन हमें पढ़ाया गया, एंड देन द बेबी, छोटे छोटे बच्चे, एंड द बेबी चैंटेड, बेबीज मतलब बच्चे चैंट करने लगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बो, तो उनका चैंटिंग क्या था, बा बे बी बो बू, जैसे अपन बोलते हैं, कै का की कू के काई को काऊ का है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, नीचे की तरफ जाते ही पीछे की तरफ जैसे हम गए, ओल्ड होजर जो साहब थे, हेड पुट ऑन हिज स्पेक्टाकल, उसने अपना स्पेक्टाकल पुट ऑन पहना, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी प्राइमर, अपनी जो किताब वो लेकर आया था उसको पकड़ा, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से किताब को पकड़ा, स्पेल्ड, और वो भी स्पेल कर रहा था, वो भी स्पेलिंग कर रहा था, वो भी बोल रहा था लेटर्स, अक्षरों को, विद देम, उनके साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, क का की, वो भी बोल रहा था, यू कुड सी, तुम देख सकते हो यार, तुम देख सकते हो कि ही वॉज क्राइंग, वो क का की नहीं बोल रहा था, वो रो रहा था, तुम देख सकते हो, वो रो भी रहा था, हिज वॉइस ट्रिम्बल, उनकी आवाज कांप रही थी, ट्रिम्बल हो रही थी, कांप रही थी, इमोशंस के साथ में उनकी आवाज कांप रही थी, एंड इट वाज सो फनी, ये बड़ा मजाक में भी लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी रो रहा है और दुख भी हो रहा था, एंड टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना भी चाहते थे और हम रोना भी चाहते थे, ओ हाउ वेल आई रिमेम्बर, मुझे याद है दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ, ऑल एट वंस, तुरंत द चर्च क्लॉक,
चर्च की घंटी बजी, जैसे अपने मंदिर में घंटी बजती है वैसे चर्च की घंटी बजी स्ट्रक 12 है, और उस चर्च की घंटी ने 12 बजाए, मतलब 12 बज चुकी थी। वो वाला 12 नहीं, 12 बजा दूंगा मैं, ज्यादा बकवास करें तो 12 बजा दूंगा मैं, वो 12 नहीं, घड़ी की 12 बज गई है। ठीक है, देन द एंगल्स, एंगल्स का मतलब क्या होता है, प्रेयर, प्रार्थना। ठीक है, हाँ प्रार्थना, सुबह दोपहर की जो भी प्रार्थना होती है, 12 बजे प्रार्थना होती होगी उनकी। एट द सेम मोमेंट, उसी पल द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है जीतने पर जो साउंड बजाया जाता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ट्रम्पेट कहते हैं। तो वो ट्रम्पेट जो वाद्य यंत्र है पर्सिया के सैनिकों ने बजाया रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और वो अपनी ड्रिल से अपनी अपनी मतलब एक्सरसाइज वगैरह से लौट कर आए। साउंडेड अंडर आर विंडोज, और उनकी जो आवाज थी हमारी खिड़कियों में भी आ रही थी। ठीक है, एम हेमल स्टूड अप, अब एम हेमल साहब खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही निराश, बहुत ही कमजोर, बहुत ही गंभीर अवस्था में इन हिज चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने गुरु जी को कभी भी इतना लंबा नहीं देखा, इतने लंबे माई फ्रेंड। गुरु जी ने कहा मेरे प्रिय दोस्तों से, गुरु जी ने कहा आई, फिर रुके, गुरु जी रो रहे, फिर बोले आई, फिर रुके, फिर बोले बट समथिंग चौक गई, मुझे लगा गुरुजी के गले में कुछ चौक हो गया, कुछ अटक गया, गुरुजी से बोला नहीं जा रहा। He could not go on, गुरुजी आगे कह ही नहीं पाए, go on, continue, बोल ही नहीं पाए गुरुजी। Then he turned to the blackboard, बाद में गुरुजी ब्लैकबोर्ड की तरफ घूम गए, बाद में गुरुजी ब्लैकबोर्ड की तरफ घूम गए, took a piece of chalk, एक चौक का टुकड़ा उठाया, and bearing on, उसको उठाया, with all his might, अपनी पूरी ताकत के साथ में, he wrote as large as he could, जितना लंबा चौड़ा बड़ा लिख सकते थे, गुरुजी ने लिखा, Vive la France, France जिंदाबाद, France जिंदाबाद, ऐसा लिखा, then he stopped, बाद में गुरुजी रुक गए, leaned, स्टॉप एंड लीन का मतलब ऐसे सहारा लगा के खड़े हो जाना, स्टूप, स्टूप का मतलब सहारा, गुरुजी ने ऐसे ऐसे सिर से पछाड़ मारी दीवार पे, मतलब वो सिर लगा के खड़े हुए। His head against the wall and without a word, और बिना कोई शब्द कहे he made a gesture, गुरुजी ने जेस्टर किया, गुरुजी ने इशारा किया, और इशारा का क्या किया, हमको इशारा किया विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज ओवर, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब तुम जा सकते हो, गुरुजी ने ऐसा इशारा किया। तो ये 12th क्लास की इंग्लिश का लेसन था, फ्लेमिंगो बुक है, द लास्ट लेसन है, और इसकी हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करी है। कैसा लगा ये पार्ट जरूर से बताइएगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आया है, और तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सभी प्यारे बच्चों से विदा लेना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दूसरे वीडियो के साथ में, फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, इनका एक्सट्रैक्ट भी करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब करना है, जल्दी ही मिलूंगा, अभी विदा लेता हूं, जरूर से कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर से बताइएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।